एक देश एक निर्वाचन नहीं पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार जो कमिटी गठन करा से कमिटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकट में रिपोर्ट दाखल कर कमिटी को संविधान ढांचा को ध्यान रखी लोकसभा विधानसभा पौर परिषद और पंचायत में एका सांगे निर्वाचन करने संभाव्य संभावना खोजा और सुपारिश करने लगी दायित्व दी जा कमिटी सबू राजनीतिक दल सहित आलोचना करने सहित से मतामत ने कमिटी देश में 47 राजनीतिक दल कमिटी को से मतामत 32 दल सपक्ष मत दे 15 यह विरोध कर कमिटी रिपोर्ट में अनेक गुरुत्वपूर्ण सुपारिश कर एक देश एक निर्वाचन पर कमिटी संविधान संशोधन सुपारिश कर संविधान धारा 324A लागू करने को सुपारिश कर सहित संविधान धारा 325 संशोधन सुपारिश सामिल रही रिपोर्ट में 18,624 पृष्ठार रिपोर्ट आईन मंत्रालय पक्ष सूचना दी जाइए गत वर्ष सेप्टेम्बर 2 रे हाई लेवल कमिटी गठन कर 191 दिन में कमिटी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट में कह प्रथम पर्यायर एका सांगे लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचन द्वितीय पर्यायर पौर परिषद और पंचायत निर्वाचन कर प्रक्रिया को एमती जोड़ जमी लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन शेष होवार 100 दिन भितर पौर परिषद और पंचायत निर्वाचन कर तेणु ये जो थ्योरी पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेतृत्व में गठित कमिटी और 18,000 अधिक पेजर जो रिपोर्ट प्रदान कर राष्ट्रपति निकट में रिपोर्ट प्रदान कर स्पष्ट भाव से मैंने कही 100 दिन गोटे गैप रो प्रथम पर्यायर लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा निर्वाचन कराऊ अन्य पर्यायर पंचायत लेवल निर्वाचन कराऊ संशोधन किसी करने कई संविधान धारा को संशोधन करने कहते सुपारिश कर तेज एसबू जदि हो निश्चय एक बहुत भल पदक्षेप कहींपर एक देश एक निर्वाचन में 8 सदस्य किए थे तब टे तथ्य मात्र बुझा चेस्टा करवा वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं जो कथा सामना करें सदस्य को कौन थे रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हरीश सालवे वरिष्ठ आईनजीवी थे अमित शाह गृहमंत्री अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता इन सबू से कमिटर सदस्य जड़े जड़े गुलाम नबी आजाद थे डीपी नेता एनके सिंह अर्थ आयोग पूर्वतन अध्यक्ष सहित सुभाष कश्यप लोकसभा पूर्वतन महासचिव संजय कोठरी से कमिटी में सामिल थे रामनाथ कोविंद अध्यक्षत कमिटी गठन होता तेज वन नेशन वन इलेक्शन नहीं पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार कमिटी राष्ट्रपति निकट रिपोर्ट दाखल कर 18,000 अधिक पृष्ठ रिपोर्ट में कमिटी अनेक गुरुत्वपूर्ण सुपारिश कर संविधान संशोधन सहित 2019 एकक निर्वाचन सुपारिश कर 2029 एकक निर्वाचन करने सुपारिश कर देखो रिपोर्ट होई पारे वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्रपति को 18,000 पृष्ठार रिपोर्ट प्रदान सातोटी देशर निर्वाचन प्रक्रिया को नहीं अनुध्यान स्वाधीनता परवर्ती समय रे लागू होता 1970 भांगी परंपरा पुणि थरे 2029 लागू होई पारे गोटे देश गोटे निर्वाचन नीति एने पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार गठित कमिटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट प्रदान कर 18,626 पृष्ठ रिपोर्टर पृष्ठ नंबर 25 कहु 47 राजनैतिक दल मध्य 32 राजनैतिक दल गोटे देश गोटे निर्वाचन नहीं सहमति प्रकाश कर 15 दल असहमत अच्छा बीजेपी सहयोगी दल समेत बीजेडी एआईएडीएम समर्थन करथिबा बेले कांग्रेस टीएमसी एनसीपी भली दल असहमति प्रकाश कर वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं 2023 सेप्टेम्बर 2 रे रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार कमिटी गठन होता दक्षिण आफ्रिका स्वीडन जर्मनी जापान और इंडोनेशिया भली सातोटी राष्ट्र निर्वाचन प्रक्रिया को आधार भित्तिरे कोविंद कमिटी पैनल तथ्य संग्रह करिछन्ते विशेष भाव सबु राज्य विधानसभा को भंग नक 2029 जाए बलवत्तर रखा प्रथम पर्यायर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन पर 100 दिन भितर लोकल बॉडी निर्वाचन करने को पैनल रिपोर्ट में दर्शाई यासह उभय देश और राज्यर निर्वाचन पर एकक वोटर तालिका और वोट परिचय पत्र सपक्ष में मत रखाई एथिपाई आवश्यक उपकरण लोकबल सुरक्षा बल और योजना संपर्क में रिपोर्ट प्रस्तुत हो तेबे 2024 साधारण निर्वाचन शेष होगा पर कैबिनेट आगे कोविंद कमिटर रिपोर्ट रखा संसद उभय गृह और प्रति राज्यर विधानसभा प्रस्ताव को अनुमोदन मिलवा पर
2029 एकक निर्वाचन नहीं बाट फिटिबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज सेवन। ଅଡିଓ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 2029 ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛି ଏବଂ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ। 2029 ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ହୁଏତ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଏ ବାଟ ସୁଗମ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରି 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁପାରିଶ ରହିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟିଂ ଜୁନ୍ 2024ରେ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ 2024ରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5ରୁ 8 ମାସ କମ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ମାନେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ତାଠୁ 5ରୁ 8 ମାସ କମ୍ କରିବେ। ପରେ ଜୁନ୍ 2029 ପାଇଁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 6 ରାଜ୍ୟ ଭୋଟିଂ 2025ରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 11 ରାଜ୍ୟ ଭୋଟିଂ 2026ରେ, ଯଦି ଏମିତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ 2029ରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ହେବ, ଦେଶର ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ।